दिन गोपी चंद महलों के अंदर नहा रहा था कि गोपी चंद महल में ना था सेवा में सोले रानी, कोई कमर मड़े कोई हाथ मड़े कोई भर भर घेर रही पानी। सजनों जब गोपी चंद नहा रहा था तो ऊपर से मां मैनावंती जिसने गोपी चंद को देख लिया, आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू की बूंद गोपी चंद के शरीर पर पड़ती है। जब गोपी चंद ने देखा कि ऊपर मेरी माता रो रही है तो रोने का कारण पूछा कि मां आप क्यों रो रही हो? सजनों कहने लगी कि तेरे पिताजी भी इसी में, क्योंकि जैसे तू सुंदर है तेरा सुंदर शरीर है ऐसी तेरे पिताजी का सुंदर शरीर था, उसे इसी तरह से उठा लिया गया था। सजनों जब गोपी चंद को उसकी मां मैनावंती कहने लगी कि जा बेटा तू जोग ले ले, तेरा जोग सफल हो जाएगा, तेरा शरीर अमर हो जाएगा, तू आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। के गोपी चंद को चेला कर लिया जलंधर नाथ गुरु ने, योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। जलंधर नाथ गुरु ने गोपी चंद को चेला बना लिया। सजनों जब जलंधर नाथ ने अपना चेला बनाया, क्योंकि चेला वैसे ही नहीं बनाया जाता, कहने लगा कि जा गोपी चंद अपने महलों में अपनी जो तेरी सोले रानियां हैं उनसे जाकर के भिक्षा मांग के लानी पड़ेगी। हाथ जोड़ लिए कि गुरुजी सब काम हो जाएंगे लेकिन मैंने जिसके साथ सात फेरे लिए हैं उससे मां मुझसे नहीं कहा जाएगा। किस तरह से कहने लगा गोपी चंद, क्या लिखा बाकी वाला कैसे भाई? अरे न्यू बोला इतना दर्द गुरु चेले पे, अरे सहना मुश्किल हो जागा, अरे गोपी चंद पे क्या ही ने मां कहना मुश्किल हो जागा, अरे इतना दर्द गुरु चेले पे मुश्किल हो जागा, अरे गोपी चंद पे प्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा, अरे इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा, गोपी चंद पे ए प्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा, अरे इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। अरे हो इज्जत का बोल बता मैं किस तरिया भा कह दूंगा, मेरा घट जा धर्म ईमान गुरु जो राह को मेरा कह दूंगा, मन जिसने फेरे साथ लिए उसे किस तरिया मा कह दूंगा, अरे जिसने फेरे साथ लिए उसे किस तरिया मा कह दूंगा, अरे चौदस के चंद्र मापे गुरु चौदस के चंद्र मापे गुरु कहना मुश्किल हो जागा, अरे गोपी चंद पे प्याही ने गोपी चंद पे प्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा, इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा।
फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोवेगी। ओ बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोवेगी। मेरी बारे कन्या सर फोड़े गुरु सोने रानी रोवेगी। अरे के बेरा था साथ मेरे यू अनहोनी भी होएगी। ओ के बेरा था साथ मेरे यो अनहोनी भी होएगी। अरे गंगा जल का उत्तर को गुरु गंगा जल का उत्तर को गुरु बेड़ा मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद पे प्याही ने वा कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे चंद की गुरुजी मैंने जिसके साथ साथ फेरे लिए हैं क्योंकि सबने ये बता दिया काम मैं वेद पढ़ लूंगा शास्त्र पढ़ लूंगा योग विद्या सीख लूंगा लेकिन मैंने जिसके साथ साथ फेरे लिए हैं उससे मां नहीं कहा जाएगा। क्या कहने लगा गोपी चंद तीसरी गली में क्या लिखा चले इंद्री मने बुद्धि से परे रे दस इंद्री मने बुद्धि से परे हर का धाम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ घट घट में राम बताया। अरे रोम रोम में रम्या हुआ घट घट में राम बताया। भजन करण का काम गुरु ने आठोया पर ब्याही को मां कहने का गुरु केड़ा काम बताया। ओ पर ब्याही को मां कहने का केड़ा काम बताया। अरे दुनिया करे मखोल जगत में ओ दुनिया करे मखोल जगत में अरे रहना मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद इतना दर्द गुरु चेले पे मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। वे इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने हाँ गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। अरे इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो
जागा।